हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न PSU कंपनी है, इंडियाज़ फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी। इज इंटीग्रेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल गैस वैल्यू चेन। यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेनी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रिलीज़ हुई है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, सारी चीज़ें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें, उससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट और एग्ज़ाम न्यूज़ मिलती रहेगी। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ग्रेड E2 अनरिजर्व के लिए 9 सीटें, EWS के लिए 1 और SC वालों के लिए 2 और ST के लिए 1, OBC वालों के लिए 5। टोटल जो है 18 पोस्टें रिलीज हुई हैं। पोस्ट आइडेंटिफाइड एंड सुइटेबल टू बी हेल्ड बाई PWBDs इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। आप लोग देख सकते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल वालों के लिए 15 पोस्टें रिलीज हुई हैं और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट। टोटल जो है वो 48 पोस्ट रिलीज हुई हैं। आप लोग का परमानेंट जॉब होने वाला है यहाँ पे, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए ये जो है आउट ऑफ द अबव टोटल 48 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज एंड पोस्ट वाइज डिटेल ऑफ 3 वैकेंसी रिजर्व फॉर आइडेंटिफाइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। PWD वालों के लिए अलग से है। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप लोगों की रहने वाली है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड दिस ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल तो मैकेनिकल होनी चाहिए और मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए आप लोगों की, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का रिलैक्सेशन जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल मिल जाएगा। टर्म्स और कंडीशंस भी आप लोग देख सकते हैं। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसीडर्ड की जाएगी। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, ये सारी ही एलिजिबल रहेंगे। MTech वाले भी अगर ME या MTech हैं तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे वो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ईयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ब्रांच इन द ईयर 2020 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो 2021-2022 वाले एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे। द अपर एज लिमिट 26 ईयर्स बताई गई है ऑन 16th of March 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन ऑल डिसिप्लिन। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे मैक्सिमम एज भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है आप लोगों की, विदाउट फीस आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो किस तरीके से रहेगा इन लोगों का, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022 मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों को सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ पे, जो भी जिन्होंने भी गेट एग्ज़ाम दिया होगा 2022 में और उन वो क्वालिफाई कर लेंगे तो वो एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर दें, उससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट और एग्जाम न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।